हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सभी इलाज के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता कि सभी जो होती है वो इलाज को तो बोलती है कि तुम रेस्ट कर लो, एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाने के बाद वो जो शख्स से मिलती है वो उसे बताता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं मीन्स ये उदित और उनकी वाइफ, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि वो तो एक सिर्फ प्लानिंग थी। जिसके बाद सभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, खुद से नफरत भी हो रही होती है और उन सबके साथ साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ। जिसके बाद वो घर आती है, वहाँ पे उसकी ऐसी हालत देख के इलियास को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। पर इसके बावजूद भी वो सभी को समझाने की और उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। सभी को सुख के बाद सो जाती है, लेकिन इलियास को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधे अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि आप मुझे उस शख्स का नाम बताइए जो इन सब में आपके साथ मिला हुआ है। उसकी मम्मी उसके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, लेकिन इलियास उनसे लास्ट टाइम भी एक ही क्वेश्चन करती है, मुझे बता दीजिए। तो उसकी मम्मी उससे टाइम मांगती है कि मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बता दूँगी। एंड उसके बाद जब वो फ़ोन कट कर देती है तो वो दोबारा से सभी के पास बैठी हुई होती है। वो बार बार उसके माथे पर हाथ फेर रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी मम्मी इन सब में शामिल है एंड वो सभी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रही है, जिसका गिल्ट उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा होता है। मगर इसी बीच में उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं जो सीधे सावी के फेस पे जाते हैं, और सावी की नींद इतनी गहरी नहीं होती कि वो उन्हें महसूस ना कर सके। तो कुछ देर के बाद उसकी भी नींद खुल जाती है और वो इलाज को रोता हुआ देख करके अब थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो सारी खुद की प्रॉब्लम्स को भूल के बस इस बात पर ध्यान देती है कि इलियास क्यों रो रही है। और वो तुरंत ही खड़ी होती है और उसे कहती है, क्या हो इलियास, तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है तुम्हें। तो इलियास जो है वो उसे गले लगाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो। तो सर, नहीं बताओ मुझे तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया तुम्हें। तो इलियास कहती, कुछ भी नहीं हुआ मुझे और कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम हो साथ मेरे। तू सो गई थी ना, तुम जगी कैसे। तो सर कहती है, पता नहीं अचानक से तकलीफ़ होने लगी और जब तकलीफ़ हुई तो तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम रो क्यों रही हो मुझे ये बताओ। तो इलियास उसे गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी सावी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, उन्हें माफ़ कर दो। तो सभी जो है वो कुछ नहीं कहती पर उसे हाँ गले लगाए रखती है और इलियास अपनी बातें कही जा रही होती है जो भी सब कुछ वो फील कर रही होती है। और उसकी सारी बातें सुनने के बाद सभी जो है वो इलियास से कहती है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसे भी तुम हो ना मेरे साथ और जब तक तुम हो मेरे साथ मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ अगर तुम नहीं आई तो इलियास उसके फेस पे हाथ रख लेती है, डोंट वरी, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो, तुम आराम करो। और उसके बाद वो सभी को बेड पे लटा देती है और खुद भी उसके साथ बैठी हुई होती है। पर उसके दिमाग में तो वो सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन सभी को भी अंदाज़ा होता है कि इलियास कुछ सोच रही है। तो उसे उस मतलब उसका हाथ पकड़ती है और अपने ऊपर लेती है, क्या वो इलियास सब कुछ ठीक है ना। तो इलियास कहती, कुछ भी नहीं, बस यूँ ही सोच रही थी। तो सभी कहती है, सोचने के लिए मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हुआ करो। एंड इसी के साथ साथ वो उसके लिप्स पे एक हल्के से किस करती है। तो इलियास उसकी तरफ देख रही होती है। तो सभी कहती, क्या हुआ। तो इलियास कहती, ये। तो सभी कहती, यार इतना परेशान हो गई हूँ कि पता ही नहीं चला कब दिल काबू से बाहर हो गया और पता नहीं। खैर ये सब कुछ छोड़ो, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अलग बात भी नहीं है। लेकिन इसी के बाद सभी का फ़ोन जो है एक बार फिर से रिंग करता है और जब वो नंबर देखती है कहते हैं, आप इलियास मुझे नीचे जाना होगा। तो इलियास कहते, क्यों क्या हुआ। तो सभी कहते, नहीं कोई आया है, मैंने उसे बुलाया था, सो मैं नीचे जा रही हूँ। तो इलियास कहते, मैं भी चलूँगी। तो सभी, तुम क्या करोगे, तुम आराम कर लो। तो इलियास कुछ नहीं कहती और बस उससे नज़रें फेर लेती है। तो सभी कहते हैं, आप चलो मेरे साथ। तो इलियास कहते, क्यों, अभी तो तुमने मना करा था। तो सभी कहती है, पर मना करने के बावजूद भी तुम नहीं मानोगे तो साथ तो चलना पड़ेगा ना, और वैसे भी एक से भले तो। और इलियास का दिमाग तो हमेशा ही चलता रहता है। तो इलियास के चेहरे पे एक मुस्कुराहट से आ जाती है। तो सभी कहती, बस एक यही मुस्कुराहट है, जो लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी परेशान हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर मुझे हमेशा सुकून देती है। इलियास तुम ऐसे मुस्कुराती रहा करो, मैं सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दूँगी। तो इलियास कहते, हाँ मैं हमेशा यूँ ही मुस्कुराती रहूँगी, पर बदले में मुझे भी तुम्हारी खुशियाँ चाहिए।
तो सभी उसे हक करती है, हाँ मिल जाएगी, बस कुछ वक्त की और बात है, उसके बाद मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। फिर मैं और तुम रहेंगे सिर्फ। पर अभी नीचे चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और सभी से इस इंसान को बुलाती है। वो एक डिटेक्टिव होता है जो सभी की यहाँ पे लगा के गया था। सभी के कहने पे वो डिटेक्टिव नीचे आ चुका होता है और सभी लास्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद विकी ने जो कि सबको सौंपा था उसकी सारी डिटेल्स वगैरह, आपने क्या मालूम किया है, क्या पता चला है, मुझे सब बताइए, शुरू से बताइए आपको क्या क्या मालूम चला है। तो डिटेक्टिव जो होता है वो सभी के हाथ में एक फाइल थमा देता है। ये देखो, मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी चीज़ें जो मुझे इसमें मिली है वो इस फाइल में मौजूद है, लेकिन मुझे वो शख्स नहीं मिल पाया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी मगर वो शख्स इतना चालाक था कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इनफैक्ट इतने अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई थी कि सबको एक्सीडेंट लग रहा है, आज तक सबको एक्सीडेंट ही लग रहा है सिवाय यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके। मैंने तुम्हारे पापा के जितने भी दोस्त हैं और जितने भी दुश्मन हैं सबके बारे में जानकारी निकाली, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन्हें मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर सके। सो उसके बाद सभी जो होती है वो उस फाइल को पढ़ रही होती है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि एक काम करो, तुमने जो भी सब कुछ मालूम किया है वो मुझे बताओ, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानना है कि लास्ट टाइम पापा की लड़ाई किससे हुई थी, किन किन लोगों से उनकी आर्ग्यूमेंट्स थी। तो वो डिटेक्टिव जो होता है वो सारी डिटेल्स वगैरह बता रहा होता है, लेकिन इसी बीच में सभी से रोकते हुए कहती है कि तुमने एक इंसान को मिस कर दिया जिसे तुमने इस फाइल में लिखा तो है पर उसके बारे में बताया नहीं है। तो वो डिटेक्टिव कहते हैं हाँ, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि वो शायद शामिल हो सकता है, मगर फिर मैंने देखा कि वो यहाँ रहता ही नहीं है, जो यहाँ रहता ही नहीं है वो सब कुछ क्यों करेगा। लेकिन फिर भी मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाली है, वो इस वक्त कहाँ पे रहता है, क्या करता है, सब कुछ। तो सभी से कहते हैं कि वो कहाँ पे रहता है और वो कौन है। तो डिटेक्टिव कहता है उसका नाम जॉय है और उसकी तुम्हारे पापा की वजह से बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसका नाम जो है वो इस सब के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसे सिलेक्शन कमेटी में से भी हटा दिया गया था, जिसके बाद वो तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तुम्हें छोटी बात लगती है हाँ, जो के साथ जो भी सब कुछ हुआ तुम्हें लगता है वो इतने ईजी वे में इसे भूल जाएगा जो तुम उसके बारे में मुझे नहीं बता रहे हो। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि देखिए, मैंने उसके बारे में तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है, वो इस वक्त यहाँ रहता ही नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद वो ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चला गया था, वो इंडिया चला गया था। तो सभी जो है वो थोड़ा सा शौक होती है कि देख क्या कहाँ चला गया था। तो वो कहते वो इंडिया जा चुका है, वो यहाँ नहीं रहता, वो वहाँ रहता है, और मुझे लगा कि जो यहाँ रहता ही नहीं है वो सब कुछ कैसे करेगा, लेकिन तुम्हारे ही तरह मुझे भी शक था और शक की कोई गुंजाइश ना रहे इसलिए मैंने इसके बारे में सब कुछ पता लगाया। लेकिन ये उसके बाद दोबारा यहाँ कभी नहीं आया, ना ही यहाँ पे किसी से उसने कांटेक्ट वगैरह किया। जिस दिन ये यहाँ से गया था वहाँ पे इसका कोई कज़न वगैरह रहता है उसी के पास चला गया था, उसी के बिज़नेस में शामिल हो चुका है ये, और यहाँ पे रहने वाले किसी मेंबर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो सभी कहती है कि मुझे बस इतना बताओ कि ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से पापा ने इसके साथ। तो डिटेक्टिव जो है वो सारी बातें सभी को बताता है कि किस तरीके से इसने एक प्लेयर को एक ऐसा ड्रग दिया था जिसे मशीन से नहीं सिर्फ ब्लड सैंपल से ही पकड़ा जा सकता था, और किसी भी मैच के बीच में अगर वो उसे ले ले तो उसकी मांसपेशियाँ जो है वो डबल रफ्तार से काम करने लग जाती, उसे न दर्द का एहसास होता ना ही थकान महसूस होती, और ये सब कुछ तुम्हारे पापा को पता चल गया था जिसकी वजह से। तो सब कहते हैं वाह, लोग ऐसे भी होते हैं। एनीवे, मुझे इसकी डिटेल्स पूरी चाहिए, और इसी के साथ साथ एक दो शख्स और होते हैं सभी उन सब की डिटेल भी ले लेती है। और उस डिटेक्टिव के जाने के बाद वो कुछ कर रही होती है तो इलियास उससे कहती है क्या हुआ, तुमने उससे ये सारी डिटेल्स क्यों ली है सभी, मीन्स कि तुमने सिर्फ कुछ लोगों की डिटेल्स ली है बाकियों की नहीं, क्यों। तो सभी कहती है क्योंकि बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें मैं जानती हूँ और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं पहले पता लगा चुकी हूँ, ये वो नाम है जिनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ना ही मैंने इनके बारे में कभी कुछ सुना था। पापा के एक्सीडेंट के बाद मैंने इंडिया आने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया जब विकी ने मुझे ये बताया कि अब सब कुछ मेरे नाम होने वाला है, और एक बार मेरे नाम होने के बाद
अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी जो मेरा गार्डियन होगा। अब तुम कुछ समझदार हो। मुझे उस दिन ही पता लग गया था ये कोई हादसा नहीं है, ये प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। वरना तुम खुद बताओ, मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, पर जब सब कुछ मेरे नाम होने वाला था ठीक उससे कुछ वक्त पहले ये सब कुछ क्यों हो गया? तुम बताओ इलियास, अचानक एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मैं अचानक इंडिया कैसे जा सकती हूँ? ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अचानक से मम्मी पापा की डेथ हो जाना, मेरा सब कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के वहाँ पे आ जाना, मुझे शुरुआत से लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे अभी भी नहीं पता। इसके बाद मैं जब मैंने विकी को इस काम के लिए लगाया तो मेरा शक जो है यकीन में बदल गया। मैं इंडिया आई नहीं, बुलाई गई थी। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके बाद फिर ये की बात सोची कि भाग के कहाँ जाऊँगी? जब वो मुझे यहाँ ढूंढ सकते हैं तो मुझे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। मैं ज़िंदा हूँ इस बात की खबर उनको बहुत पहले से थी। इलियास, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और उसके बाद सभी जो होती है वो एक बार अपने रूम में जाती है और वहाँ से अपना लैपटॉप उठा करके इलियास के पास ले आती है नीचे, और वो उसे दिखाती है कि ये देखो हमारी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो मेरे नाम है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। और अब ये सब कुछ छोड़ो, यहाँ देखो उदित सर, उदित सर का भी सब कुछ मेरे ही नाम पर है। मेरे आने के बाद उन्होंने सब चीज़ें मेरा ही नाम चलाया, सिर्फ सब कुछ जो भी उनका है वो मेरा है। और इसके बाद तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अंसावी जो होती है वो अपने लैपटॉप में कुछ तस्वीरें जो है वो इलियास को दिखाती है। यहाँ देखो इस शख्स को देख रही हो तुम? मैंने बहुत टाइम के बाद नोटिस करा कि मेरी जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें ये इंसान मेरे पीछे है। मेरे पास कम से कम ऐसी 1000 से ज़्यादा तस्वीरें होंगी जिसमें ये इंसान तुम्हें नज़र आएगा। ये सब कुछ छोड़ो, ये देखो। और उसके बाद सभी जो होती है वो एक CCTV फुटेज होती है वो इलियास को दिखाती है। यहाँ देखो ये पापा की गाड़ी है, हमारे घर में किसी को भी ऐसे आना अलाउ है ही नहीं। और ये आदमी अचानक से आता है और बोलता है कि इसे यहाँ पे बुलाया गया था, गाड़ी में कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से गार्ड से अंदर भी आने देते हैं बिना हमारी परमिशन के, बिना ये हमसे पूछे। और ये फुटेज तुम्हें मालूम है कब की है? जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था ये उस दिन मॉर्निंग की है। उस दिन पापा को बाहर जाना था तो सबको यही लगा कि शायद पापा ने ही बुलाया होगा, क्योंकि वो ऐसा बहुत बार करते थे। जब भी वो गाड़ी चलाते थे उसके नेक्स्ट डे ही वो हमेशा किसी न किसी को बुलाते थे उसे ठीक करने के लिए। हालांकि कोई ख़राबी नहीं होती थी, पर फिर भी जिसके बारे में सिर्फ उनके करीबी लोग जानते थे, जो बहुत अच्छे उनके दोस्त हो, जैसे कि जॉय। मैं इसे इसके नाम से नहीं जानती पर हाँ फेस से ज़रूर जानती हूँ। ये बहुत बार हमारे घर आया जाया करता था, इसे सब कुछ मालूम था। पापा का बहुत पुराना दोस्त था ये। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसे होती है वो सभी को गले लगाती है। तो सभी तुम परेशान मत हो। तो यार कैसे ना हो परेशान, तुम इतना सब कुछ अपने दिल में रख के बैठी थी, तुमने मुझे बताया तक नहीं, कुछ शेयर तक नहीं किया मुझसे, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना सभी? तो सभी कहते हाँ पता नहीं था लेकिन अंदाज़ा बहुत सी चीज़ों का था मुझे। तो यस जो है वो उसका हाथ पकड़ कहती है इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि तुम्हें कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी अपनी नसें फिरते हुए कहती है हाँ मुझे मालूम है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अब तो सच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ वक्त के बाद सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और एक बार वो रेडी हो गए तो उसके बाद जो खतरा 60% था वो 90% तक हो जाएगा। तो इलाज होती है वो उसे गले से लगाती है। तो सभी कहती है डोंट वरी, मैंने कहा ना अभी पेपर्स रेडी नहीं हुए हैं, और जब तक वो रेडी नहीं हो जाते तब तक। तो इलाज कहती है कि बस मालूम है मुझे सभी, तुम्हें जितना झूठ बोलना आता है ना उतना बोल चुके हो तुम, ये सबको दिखा रही हो कि अभी तक रेडी नहीं हुए, पर वो बहुत पहले रेडी हो चुके हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे कबट में देखा था। तो सभी थोड़ा सा शौक हो जाती है। तो इलियास कहती है हाँ मैंने उन्हें बहुत पहले देखा था तुम्हारे कबट में, पर मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं क्योंकि मुझे वो ज़रूरी नहीं लगा। तो सभी कहती है लेकिन तुमने एक भी सवाल नहीं करा कि वहाँ वाला भी सब कुछ मेरे नाम पर क्यों? तो इलियास कहती है अब तुम और मैं अलग नहीं थे, मैंने बस इसी वजह से तुमसे कुछ सवाल नहीं किया, और कुछ ये सोच के भी नहीं किया था कि हम हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताएंगे ही। उस वक्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर में से मेरी मम्मी ये सब कुछ कर सकती है। उस वक्त मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे पता था कि हम दोनों हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे, और वैसे भी हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, उस वक्त बहुत प्यार भी करते थे, और प्यार में शक नहीं होता सिर्फ यकीन होता है, मुझे तुम पे पूरा था। और इनफैक्ट
था नहीं, अभी भी है। सभी कैसे इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर रही थी तुम? तो सभी कहते अकेले कहाँ थी मैं, तो मेरे ऐसे थी क्या मतलब? तो सभी उसका हाथ पकड़ते कहते तुम थी ना हमेशा मेरे साथ, हमेशा। तुमने कभी मुझे अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा, जो भी तुम करती थी वो सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हाँ है कोई अपना अभी भी जिसके लिए मैं जी सकती हूँ, जो मेरे लिए है, जो मुझसे प्यार करता है। सो गाइस, अभी हम लोग क्या नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू ऑल।